आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ाना है? कनेक्टिव। दूसरा टिश्यू है ये, पहला एपिथेलियल टिश्यू था, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसकी खास बात, यह कनेक्शन के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। यह देखिए, कनेक्ट करने के लिए तो सपोर्ट के लिए, इसका नाम इसीलिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है। किसके लिए? कनेक्शन के लिए, कनेक्शन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स, कनेक्शन के लिए एंड सपोर्ट के लिए, कनेक्शन एंड सपोर्ट। क्या का सपोर्ट करने के लिए? बॉडी ऑर्गन्स टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इटीसी। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, इधर देखो, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यूज। मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट टिश्यू है ये, मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट टिश्यू। मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट है, क्या करता है ये देखिए, मैंने कब बताया था, इसका फंक्शन होता है सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कनेक्शन, डिफेंस एंड स्टोरेज। फंक्शन कुल जान लीजिए, इसे जैसे मैं पढ़ा इसे फटफट फटफट याद कर डालो। सपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट के लिए, कनेक्शन के लिए, और कनेक्शन के लिए, और डिफेंस के लिए, और स्टोरेज के लिए। बोलिए, इसके बाद स्पेशलाइज जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू जो हैं वो चार हैं, आपको पता है सब, बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, और एडिपोज टिश्यूज है। एडिपोज टिश्यू, सब क्वेश्चन है नीट का, एक ठो हर लाइन का नीट का क्वेश्चन है। और कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है? सेल सीक्रेट्स, सेल सीक्रेट्स करते हैं क्या? कोलेजन एंड आर इलास्टिन, कोलेजन आर इलास्टिन। और क्या करता है? कोलेजन एंड इलास्टिन सेल सीक्रेट्स करती हैं क्या? कोलेजन और कोलेजन है, कोलेजन इलास्टिन। और सुनो, ये कोलेजन इलास्टिन क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। दूसरा है, ये पहला है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये
ये और दूसरा क्या रिलीज करता है, ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड जो क्या बनाता है, फार्म मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस केवल ब्लड में कोलाइजन इलास्टिन नहीं होता, कोलाइजन इलास्टिन नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, कोलाइजन या इलास्टिन, कोलाइजन में एक एस एल है कि दो एल है, देखो कोलाइजन किस पे, देखो ये डबल एल है कि एक एल है, कोलाइजन जो है कोलाइजन अब्सेंट इन कहाँ पे, अब्सेंट इन ब्लड, कोलाइजन अब्सेंट है कहाँ पे, ब्लड में, कोलाइजन अब्सेंट इन ब्लड, कोलाइजन ब्लड में क्या होता है, अब्सेंट होता है। हो गया, मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्शन के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है, सो कनेक्शन और सपोर्ट के लिए बॉडी ऑर्गन्स को, टीसी को और ऑर्गन सिस्टम को, इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है कि मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट टिश्यू है, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टिश्यू है, ये सपोर्ट करता, ट्रांसपोर्ट करता, कनेक्शन करता है, डिफेंस करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। अगर ऊपर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक। और देखिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये, स्पेशलाइज्ड टिश्यू मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू में केवल चार हैं, कौन कौन, बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है और एडिपोज टिश्यूज हैं, बात समझे। फिर देखिए सेल सीक्रेट्स कोलाइजन आर इलास्टिन, फाइब्रोब्लास्ट्स होती हैं जो कोलाइजन इलास्टिन सीक्रेट करती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है उसको, जैसे अगर कोई नोच रहा है इसको तो ये टूट के निकलेगा नहीं, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी इसकी, बात समझ रहे हैं ना, तो इलास्टिसिटी स्टोर है। और मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड होता है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड तो जो क्या बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है, क्या बनाता है, मैट्रिक्स। इसके बाद कोलाइजन इलास्टिन एब्सेंट होता है कहाँ पे, कोलाइजन या इलास्टिन एब्सेंट होता है कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड में कोलाइजन या इलास्टिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, समझ रहे हैं। ये है आपका कनेक्टिव टिश्यूज के विषय में, सिंपल अध्ययन बंद कर बेटा आराम से। हाँ बैठ जा आराम से, हो गया। बहुत जल्दी करें, मेरे करें तुरंत खट से, कई प्रकार का टिश्यू है, अगर नई वाली बुक के अनुसार होगा तो टिश्यू सब नहीं है, अगर नई बुक के अनुसार होगा, नई सिलेबस जो निर्धारण भी करेगा, अगर नई बुक के अनुसार तो टिश्यू नहीं उसमें है, न्यू बुक में नहीं है, तुम्हारा ही नया बुक थोड़ा ही है, पुराना है, और नया बुक में ये सब कट गया है, खाली एक दिया उसमें फ्राग स्ट्रक्चरल अकेले फ्राग दिया हुआ है, बहरहाल लेकिन अभी देखते हैं क्या कंडीशन होता है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, कोई टेंशन तो है नहीं, हम तो वैसे भी पढ़ा कर धुआं कर ख़त्म कर देंगे सब, और लिखबो तीन घंटा अब भाई तक सोत रहो वहीं बैठ के, आमरस पिए रहे हैं, पैबन किए एक को नहीं नहीं, वो एक्चुअल बहुत बहुत विटामिन सी का स्रोत है, वो क्या बोल रहा है, गला जल रहा है
जल्दी देखो यार, अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको, इरेज करें, ये देखिए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में कल बताया था, देखिए इधर पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है लूज कनेक्टिव, दूसरा है डेंस कनेक्टिव, यल लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है, तीसरा कौन था बताए थे कल ना, कनेक्टिव टिश्यूज। देखो इधर इसमें दो था, इसमें दो था, कल बताया था मैंने, सब अलग अलग बताएंगे, इसमें दो था, इसमें दो, एक चीज़ बात ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए इसमें सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, इसमें फाइबर जो होते हैं कंपैक्टली अरेंज होते हैं, मैंने बताया था मोर मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर था इसमें, इसकी खास बात मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर, इसमें लेस मैट्रिक्स एंड मोर फाइबर था, ये खास बात थी। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स ऑफ फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, ठीक, मोर का मैट्रिक्स होता है लेस फाइबर्स होते हैं, मोर मैट्रिक्स होता है लेस फाइबर्स, इसमें क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होता है, इसमें सेल्स और फाइबर्स कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक। अब जब ध्यान दीजिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होता है इसमें, जब देखिए इसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली कोलाइजन एंड मैट्रिक्स होता है, फॉर्म करता है, फॉर्म सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर,
पहला देखिए, इसमें सारे स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी खास बात, इसमें पहला है लूज करेंट टिश्यूज में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें डेंस करेंट टिश्यूज में है रेगुलर और इररेगुलर। इसमें कौन है, कार्टिलेज है, सॉरी ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इसमें है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें है फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज में दो हैं, कार्टिलेज है और बोन है, इसमें दो है, प्लाज्मा है फ्लूड करंट टिश्यूज में, ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड में दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स। ये कल में बताया था, देख लीजिए। अब एक एक को हम लेके चलेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज आपको आ ही रहे हैं, है कि नहीं। इरेज करें, जल्दी बताइए। पहला देखेंगे अब आप, देखो इधर लूज कनेक्टिव टिश्यूज। मैंने बताया सेल्स और फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज पहला है। ये मैंने बताया सेल्स एंड फाइबर्स आर, पहले मैं लिख दिया हूँ मैं, आर लूजली अरेंज्ड हैं। हो गया, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिलो द स्किन। क्या क्या होता है इसमें, बिलो द स्किन। अब इसको दो भागों डिवाइड कर देते हैं हम, इरेज कर दे, इसको दो भागों डिवाइड करें। देखो इधर, इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, यह क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देखिए पहला मैट्रिक्स होगा, फाइब्रोब्लास्ट्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट्स। इधर देखो दो चीज करेंगे, ये फाइबर रिलीज करेगा एंड और क्या सीक्रेट करेगा, मैट्रिक्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। मास्ट सेल्स होंगी यहाँ पे, कौन सेल्स होंगी, फैगोसिटिक सेल्स होंगी, फैगोसिटिक सेल्स होंगी, या इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। फाइबर्स में वही कोलेजन या इलास्टिन, मैट्रिक्स में वही मैंने बताया था मॉडिफाइड क्या, पॉली सैक्चराइड। देखते जाओ, फैगोसिटिक सेल में वही मोनोसाइट न्यूट्रोफिल याद आ रहा है, इस्नोफिल भी होगा, बेसोफिल, ढेर सारी कोशिकाएं इसमें मिलती हैं, और इस्नोफिल बेसोफिल में, इस्नोफिल बेसोफिल मोनोसाइट सब इसमें मिलती हैं। और मास्ट सेल का काम वही, मास्ट सेल क्या करता है वही याद आ रहा है, लेकिन ज़्यादा बहुत डिटेल हो जाएगा। मास्ट सेल सीक्रेट करता है हिपेरिन हिस्टामिन सीरोटोनिन इन्फ्लामेटरी सबस्टेंस, समझ रहे हैं ना, जो घाव लगने पर तुरंत लाल लाल फूल जाता है, लेकिन उसको इतना तगड़ा हम नहीं बताएंगे। फैगोसिटिक सेल्स होता है मैट्रिक्स से, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मास्ट सेल्स है, फैगोसिटिक सेल्स माइक्रो हो गया। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या सीक्रेट करता है, कोलाइजन और मैट्रिक्स, ये हो गया। हाँ इतना ही देखते, उसको जा जाते हो, अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो आप हल्का से खाली ऐसे कर लीजिए और बना के समझ सकते हैं ऐसे। ये देखिए,
बस हो गया था। देखो ये कौन है, माइक्रो, ये पूरा इसमें द्रव्य भरा हुआ है, क्या है, मैट्रिक्स। इस सेल में समझ लीजिएगा, ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैक्रोफेजेस हैं। ये कोलाइजन फाइबर है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल, ये मास्ट सेल सीक्रेट करता है हेपरिन, आगे लिख देते हैं, मास्ट सेल सीक्रेट करता है हेपरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हेपरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हेपरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हेपरिन का काम एंटी कोगुलेंट है, क्या है ये, एंटी कोगुलेंट। हिस्टामिन का काम इन्फ्लामेशन, इन्फ्ला, सीरोटोनिन वेसो, मैं लिखवाया हूँ सब किस में, पता है आपको कहाँ पे लिखवाएं बताइए, ब्लड में सब लिखवाएं, समझाएं, ये सब कोशिकाएं हैं, आप बुक में देख लीजिएगा लगभग फिगर आपको इसे मिलेगा। हाँ एक कोशिकाएं, ये देखो ईस्नोफिल है, ऐसे बेसोफिल भी प्रेजेंट होगा, न्यूट्रोफिल भी प्रेजेंट, ये देखो न्यूट्रोफिल है, ये भी मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट देवे देखिए, ये भी मैक्रोफेजेस है। नंबर ने लिखा है अब बहुत कष्ट में, इधर देखो किडनी सब न्यूक्लियस किस में होता है, किडनी सब न्यूक्लियस किस में होता है, कौन का नाम उसका है, किडनी सब न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, मोनोसाइट में, तो मोनोसाइट भी मैक्रोफेज होगा नहीं होगा, न्यूट्रोफिल भी मैक्रोफेज हुआ नहीं होगा, ये भी है, ये भी है, नहीं दिया खाया तब भी लिख डाले कुल, हो गया। एडिपोज कनेक्ट टिश्यूज में क्या होता है, क्या करने के लिए होता है, स्टोरेज ऑफ फैट, कहाँ प्रेजेंट होगा, यहीं पर दे देखिए, कुछ कोशिकाएं ऐसे दिखाई गई होंगी, ध्यान दीजिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे, ऐसे भी सेल हो सकते, इधर होगा, ये एडिपोज टिश्यू सेल होंगी, स्किन के नीचे कहाँ प्रेजेंट होगा, बेलो द स्किन, ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, ये फैट है, सेल मेम्ब्रेन है,
एयर को, जरा देखो मैंने कहा एडिपोज टिश्यूज हैं आपस में जुड़े होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 20 जो भी हो। इसमें ध्यान दीजिए क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें पूरा फैट एक्युमुलेटेड है। कौन एक्युमुलेटेड है? फैट। इसे पूरा वाइक्यूल भरा, तो इसमें क्या भरा हुआ होता है? फैट भरा हुआ होता है, समझ रहे हैं ना। ये एडिपोज टिश्यूज है, मैंने कहा एडिपोज टिश्यूज को इस तरह देखे क्या करने के लिए होता है, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए। दूसरा मैंने बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, बेलो द स्किन, कहाँ स्थित होगा, बेलो द स्किन, ठीक है। एक थिक लेयर ब्लबर का पाया जाता है व्हेल में, हाथी में, सील में, वह फैट का एक्युमुलेशन होता है, समझ रहे हैं। ये हो गया पहला आपका, पहले भी मैंने बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर में मैट्रिक्स होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, मास्टल्स होता है, फैगोसिलिक्सल्स होती हैं, फाइबर्स में कोलाजन इलास्टिन होगा, मैट्रिक्स में मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड होगा। एडिपोज टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज में स्टोरेज ऑफ फैट होगा, और बेलो द स्किन के स्किन नीचे होगा, स्किन के नीचे होगा। इसमें ढेर बड़ा बड़ा क्या होगा, वैक्यूल ऑफ फैट जिसमें स्टोर होगा, इसमें क्या स्टोर होगा, फैट, चर्बी, ठीक है। दूसरा इरेज कर दे इसको अब, अमन कुमार बताओ इरेज कर दें। जो फ्लूड सबस्टेंस में है ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का बना हुआ होता है, जो फ्लूड इसमें मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, पूरा फ्लूड इधर देखो, द्रव्य इसमें पूरा फ्लूड भरा है ना। अरे यार यहाँ देखो, लो देखे हो अब, ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, मॉडिफाइड पाली सैक्राइड का बना हुआ होता है। और बोलिए कोई परेशानी बताओ, कोलाइजन इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। बकरा जब पकता है तो उसका महाकजीब गरीब होती है, बकरा जब पकता है, जब पकने लगता है तो उसका महा की ही अजीब गरीब होता है। सूंघने के बाद वही जब गलता है धीरे 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 कोलाजन इलास्टिन सब उसमें गलने शुरू हो जाता है, उसमें का प्रोटीन का मीन प्रोटीन इसमें आग गल गल के उसमें आ जाते हैं। इधर देखे मालिक्यूल टूट टूट के जब किस में आ जाएंगे, रस्सा में, शोरबा में, इसको बोलते ग्रेवी में, तब देखे उसका महक सूंघने लायक होता है। उसके बाद जो खाने वाले हैं उनका यहाँ जीव से पानी आने लगता है, और जो नहीं खाने वाले तो सूंघ कहते कौन सी सब्जी बन रही है, तो कह दो जो नहीं खाने वाले तो सोचते कौन सी सब्जी बन रही है, पनीर सब्जी का यार पूछो ना। हाँ क्या पूछे बोलो, अगला देखो इधर, नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मैंने बताया मोर फाइबर होगा, लेस मैट्रिक्स होगा, और क्या होंगे, फाइबर्स एंड सेल्स कंपैक्टली अरेंज होंगे। दो प्रकार के होंगे, डिवाइड किया गया किसमें, दो में, पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसमें देखिए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होगा, ध्यान दो इधर, फाइबर जो होंगे वो पैरेलल अरेंज होंगे, फाइबर जो होंगे वो पैरेलल अरेंज होंगे, फाइबर्स आर
अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर पैरेलल मैनर जैसे आप देखेंगे इधर देखिए जैसे सपोज कर लीजिए इतना है ये एग्जांपल इधर देखिए पहले एग्जांपल है तब इसके बाद लिखते हैं एग्जांपल इसका है टेंडन लिगामेंट टेंडन लिगामेंट इधर देखो मैंने बताया था बीटीएम इसका मतलब बोन टू मसल्स जोड़ने वाला होगा टेंडन बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन होगा ये ऊपर बोन है ये मसल्स है इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा टेंडन जो समझने वाला समझेगा ना समझने वाला अपना समझे खूब बढ़िया तरीके से लिगामेंट ये क्या होता है BLB बोन एक बोन से दूसरे बोन से जोड़ने वाला होता है कौन लिगामेंट याद कर ले कुल समझ रहे हैं ना बोन से बोन को जोड़ने वाला होगा लिगामेंट और बोन से मसल्स को जोड़ने वाला होगा टेंडन आप ध्यान करो समझ बुक में लिखा हुआ पूरा पढ़े हो वही रामायण की तरह पढ़ो हम जो लिखते हो देख लो के ये टेंडन लिगामेंट लिखा होगा देख लीजिए आप बुक में अब ऐसे एकदम दिया जो बता रहा हूँ वैसे लिखा होगा लेकिन ऐसे नहीं लिखा जैसे मैं लिखा हूँ खुद अपने इतिहास की तरह लिखा होगा आप समझने के लिए आपको 60 कोटेशन बनाना चाहिए BLB BTM बोन टू मसल जोड़ने वाला टेंडन बोन टू बोन जोड़ने वाला लिगामेंट BLB आप देखिए इसका अगर फिगर देखेंगे तो आप ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको ये देखिए सपोज कर लो सेल है ये इसमें ये सेल है ऐसे देखें पूरा ऐसे ये फाइबर्स अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर रेगुलर मैनर फाइबर्स अरेंज होंगे मतलब बुक समझ में ना आते हैं नाक पोच देखो कोई ये सेल्स है और ये फाइबर्स है इसके बीच मैट्रिक्स है हाँ हो गया ये लोग खीरा खा के मुरई खा के खांस रही हैं खीरा खा के मुरई खा के पालक खा खा के खांस रही हैं छत पे जाकर सो के ठंडा पानी पी के अरे प्रभु जी तू लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाए वहीं जा कर रहो समझ रहे हैं ना इधर देखो डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज इसमें फाइबर्स होते हैं फाइबर्स मतलब क्या वही कोलाइजन इलास्टिन फाइबर जब भी लिखेंगे फाइबर मत समझिएगा हो गया इरेगुलरली अरेंज्ड इरेगुलरली अरेंज्ड एग्जाम्पल सिर्फ एक देखना है आपको क्या स्किन में पाया जाता है बुक में देखिए लिखा होगा इसका फिगर देखेंगे अगर आप तो ऐसा कुछ देखेंगे
ये इरेगुलर फाइबर हैं। और ये सेल्स हैं, ये मैट्रिक्स है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्ट टिश्यूज हो गया। फिगर देख लीजिए, तो डेंस इरेगुलर कहाँ? टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। इरेगुलर कहाँ? स्किन में। मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड सेल कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, याद रखे ओके। समझ में आ रहा है? इसमें भी मैट्रिक्स होगा, नहीं कहेंगे सर जी बताया नहीं तो उसमें मैट्रिक्स है और ये सेल्स हैं। हो गया कहानी? क्या परेशानी बता जल्दी से। अच्छा मोबाइल हैंग का हो गया। चलो आगे देखो, इरेज करें। को बात ना करो, तू देखे ना पीछे, पीछे मुड़ को मत देखिएगा। ऐसे बाहर हो रहा तू का शादी करा दे, तू रजाक पकड़ के शादी बदे रोज रहे हैं, वो मजाक करे बेचारे के लिए, बेकूफ है का एकदम, इतना अच्छा लड़का है, जेंटिल बेचारा, सबसे जेंटिल लड़का इस समय ही है। अमन टेंशन ना लियो, एकदम घबरा ना तू। हाँ इधर देखो, सुनो मैं आपको बता रहा था इसमें, सुनो जी इसमें मैं आपको बता रहा था, इसमें जो है तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। कौन आया इसमें? पहला मैंने बताया था कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के द्वारा कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बनाती हैं इसको, कार्टिलेज कंपैक्ट एंड प्लाइएबल होता है। प्लाइएबल मतलब लचीला, कंपैक्ट होगा मगर प्लाइएबल होगा, समझ रहे हैं ना? कंपैक्ट और प्लाइएबल होगा। फाइबर जो होते हैं एंड मैट्रिक्स कंपैक्टली अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल जैसे है इसका नोज टिप, नोज टिप, एक्सटर्नल ईयर, ईयर ट्रेकिया का ट्रेकियल रिंग, ट्रेकियल रिंग और हैंड एंड फीट में पाया जाता है। हैंड फीट के जो इधर देखो, हैंड फीट इधर देखो, ये देखो
हैंड और फिंगर का टर्मिनल एंड होता है, वहाँ पाया जाता है। ये हैंड देखो, नोज टिप लचीला है। ये क्या है, कान देखिए, पिन्ना का पिन्नी, ये देखो पिन्ना का पिन्नी हो रहा है ना, ये इलास्टिक है। और सुनो, यहाँ पर नेक में भी जो होता है, गले में सी शेप्ड कार्टिलेज, जो भी कार्टिलेज ही होता है। और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। दूसरा है बोन, बोन ये कंपैक्ट एंड कंपैक्ट होता है एंड नॉन प्लाइएबल होता है। नॉन प्लाइएबल मतलब लचीला नहीं होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा। क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू एकुमुलेशन ऑफ किसके एकुमुलेशन से, ड्यू टू एकुमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट हो गया। ऑस्टियोसाइट सेल्स, इधर देखो ऑस्टियोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन कैविटी, कैविटी लैक्यूनी कहते हैं इसको, उसी लैक्यूनी प्रेजेंट होगा। ऑस्टियोसाइट सेल्स कैविटी में प्रेजेंट होगी, उसका नाम है लैक्यूनी। लॉन्ग बोन में कैविटी पाया था, उसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग बोन कंटेन कैविटी। लॉन्ग बोन में कैविटी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। किसकी बोन जैसे, लॉन्ग बोन जैसे, तीन जगह की, हैंड फीट वर्टिब्री, हैंड फीट वर्टिब्री, उसके बीच में कैविटी होती है, बीचवा में होल होता है, जैसे बकरा नल्ली खाते हैं ऐसे करते हैं अंदर, वो बोन मैरो जाता है। वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने वाली होती है, तो इसलिए जो बकरा वगैरह खाने वाले चलाक व्यक्ति होते हैं आप लोग की तरह, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या खाते हैं, ये देखिए, वो चेस्ट पीस नहीं लेंगे, इना का चेस्ट पीस दो नहीं, सीधा बोलेंगे पैर हाथ नल, पैर और हाथ की नली दो, कौन नली, हाँ लेग पीस, मुर्गे वाला नहीं बकरे वाला लेग पीस, और या तो फिर वर्टिब्रल कॉलम वाला, आराम से खाओ मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है। बोन मैरो हो गया, यहाँ पे क्या बनता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये बढ़ाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाता है, बोन मैरो फार्म करता है, फार्म करेगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, समझ रहे हैं ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पहला आपने देखा, इधर देखो एड़ को, इधर देखो पहला ये कार्टिलेज है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से, किससे बना हुआ है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से, बहुत कष्ट में है,
बोलो यार क्या प्रॉब्लम, बोलते हो ना क्या परेशानी तुम लोगों की है? हम कह प्रॉब्लम क्या तुम लोग ये पूछ रहे थे, तो कष्ट में क्या बना है? हाँ पर पीछे मुड़ करके बंदर की तरह तुम लोग कुछ परेशानी हो बताओ। देखो इधर कार्टिलेज जो होता है, सुनो, कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से। ये सीक्रेट बता, देखिए ये बनाता है, बनवाता है, कम्पैक्ट और फ्लाइएबल होता है, ये कम्पैक्ट होता है लेकिन फ्लाइएबल लचीला। मैंने बताया ऐसे नाक के टिप पे फाइबर और मैट्रिक्स कम्पैक्ट क्लियरेंस तो रहेंगे ही, इसमें नोज टिप पे पाया जाएगा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में पाया जाएगा, और ट्रैकियल रिंग इधर देखिए, ट्रैकियल रिंग में हैंड और फिट के टर्मिनल एंड पे, यहाँ हैंड फिट में का टर्मिनल एंड पे नहीं कहेंगे, हैंड फिट के टर्मिनल एंड में, हैंड फिट में नहीं बोन होता है, आप समझे, कहीं सर्जरी बता दिए वही लग रहा है क्या, परेशान हो जाएंगे। बोन कम्पैक्ट होता है, नॉन प्लाइएबल होता है, हार्ड होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, ऑस्टियोसाइट सेल से बना हुआ होता है, स्मॉल कैविटी होती है, लैक्यून प्रेजेंट होता है, लॉन्ग बोन में बोन मैरो होता है, लॉन्ग बोन में क्या होता है बोन मैरो, और हैंड ऑफ फिट की और वर्टिब्री में जो बोन मैरो सारबीसीडब्ल्यू प्लेटलेट्स बनता है। और एक बात ये बता दें आपको, ध्यान दीजिए, हाँ देखो इधर मैमेलियन बोन में हाइवर्सियन सिस्टम, हाइवर्सियन सिस्टम मैमेलियन बोन में क्या पाया जाता है, हाइवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। पक्षियों के बोन में बोन मैरो नहीं होता, बोन मैरो अब्सेंट इन बर्ड्स, सुनो जी, बर्ड्स में बोन मैरो क्या होता है अब्सेंट होता है, बर्ड्स में जो होता है वो बोन मैरो नहीं पाया जाता, पक्षियों में बोन मैरो नहीं मिलता, पक्षियों के बोन में बोन मैरो नहीं होता। आप मुर्गे की टांग खाएं खाएं, हम सब लेग पीस में से जो है उससे शोरबा निकाल रहे थे, बोन मैरो उसमें नहीं मिलेगा, चाहे नोच के देख डालो के हो गया। इरेज करें इसको, इरेज करें इसको, आप इरेज कर दें, अगर बोन को कहाँ रख दिया जाए, अगर बोन को कहाँ रख दिया जाए, बता चुके हम इसको आपको, बोन केप्ट इन एसीएल, बोन केप्ट इन एसीएल, तो क्या हो जाएगा, बोन बिकम्स फ्रेजाइल एंड बोन बिकम्स फ्रेजाइल, भंगुर हो जाएंगी, क्यों, उसका जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, जब डिजॉल्व हो जाएगा तो भंगुर हो जाएंगे, फ्रेजाइल हो जाएंगे, भंगुर एनएएच में रखेंगे नो प्रॉब्लम। अगर बोन को कहाँ रख दिया जाए, या सीएल में रखेंगे तब बोन क्या हो जाएंगे, फ्रेजाइल हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम इन इन एन ए ओ एच,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एनओएच में रखेंगे। हाँ बोलूँ, ये एस सी एल में जब रखते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, नीचे वाले एनओएच में रखेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बेस हैं। कैल्शियम का, अरे पगलू, यस, अब हमें तो केमिस्ट्रियाँ पढ़ी, वो हम बता दे रहे तुम्हें, सुनो, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और उसमें दोनों बेस बेस रहेंगे तब का रिएक्शन करेंगे। कंदा हो गया, इतना थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जनरेट करते हैं, अब बायो मालिक्यूल पढ़ा इतना जानते ही होंगे। इरेज करें, किसी कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें, बोलो, नहीं है। हाँ सुनो, तुम लोगों को हंसने वाली बीमारी है क्या जी? कल भाई नाक पोछ रही थी, आज हंसते रही बेचारी, कस सुनक सुनक करके सो रही थी इसे। ए लोगों सुनो, नहीं सबों को नाक नहीं बहता, इन सबों को नाक थोड़ी बहता है, इन सबों की मलाई निकलती है, डालडा घी निकालते उसमें से, वनस्पति घी हो गया। और कभी कभी जो है वो निकलने लगता है, जानते हैं क्या, कभी कभी निकलने लगता है जिसको बोलते हैं क्या, कभी कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो रनिंग नोज हो जाता है, तो उसमें से जो है रिफाइंड ऑयल निकलने लगता है, रूमाल गीली हो जाती पोछते पोछते। बहरहाल आगे देखो, एक बात हो गई, दूसरी बात सुनो, तीसरा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूड कनेक्ट टिश्यूज में क्या है, इसे फ्लूड कनेक्ट टिश्यूज में आप बता चुका हूँ सब मैं, इसमें फाइबर्स नहीं होते, फाइबर्स अब्सेंट होंगे। ये दो काम करता है, जरा बताइए, फ्लूड कनेक्ट टिश्यूज का क्या काम होता है, दो काम, ट्रांसपोर्ट करना और डिफेंस करना, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस। फाइबर्स एब्सेंट होंगे इसमें, दो होता है इधर देखो, दो कौन कौन, लिम्फ और ब्लड, ब्लड में तीन चीजें, दो चीज, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज़ें बता चुके हैं हम आपको, वो तीन कौन, तीन प्रकार के सेल, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या प्रॉब्लम है बताइए ना, हो गया, ये पूरी कहानी है, ये सब मैं डिटेल में आपको पढ़ाया हूँ ब्लड में, सी द चैप्टर ब्लड ना, ब्लड वाला चैप्टर आप फिर देखिए आराम से, हो गया। अब इसके बाद मस्कुलर टिश्यू बचा हुआ है और नर्वस टिश्यू, मस्कुलर को भी मैं पढ़ाया हूँ, नर्वस को लेकिन फिर भी कल हल्का फुल्का बता दूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके दिमाग में बातें फिर आ जाए, रिवाइज हो जाए, और ब्लड में तो पढ़ाया हूँ डिटेल में। इसके बाद मुलाकात हम करेंगे फिर, कल चलते हैं इस बार।